लिए चलते हैं, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। हम चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास आरिफ वहीद हमारे साथ। टनल के इस बार की सूरत हाल, चूंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और रेल सर्विसेज क्या आज बहाल हो पाएंगे, इस हवाले से अपडेट बताएंगे। लेकिन टनल के उस पार यानी बनिहाल काजीगुंड से लेकर करना कुपवाड़ा तक सूरत हाल क्या है, और उम्मीद ये की जा रही है कि आज चौथा दिन मोबाइल इंटरनेट फिलहाल बंद है, लेकिन दोपहर आते आते शायद बहाल कर दी जा सकती है। अफवाहें ना फैलें, इसके लिए पुलिस का यह हवाला था कि उसने इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी हैं। लेकिन चौथे दिन भी सुबह सुबह खबर है कि बहुत सारे इलाकों में बंद का असर देखा जा रहा है। बारामूला बनिहाल रेल सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल है। उम्मीद ये की जा रही है कि इंटरनेट शायद आज मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज चल जाए। ब्रॉडबैंड और मोबाइल कॉलिंग खिदमत पहले बहाल की गई थी, लेकिन इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज जो मोबाइल इंटरनेट है वो ना होने की वजह से भी एक बड़ा मसला बना है। दूसरी बात यह है कि जब आज चौथा दिन है बंद का असर देखा जा रहा है, हालांकि कल जुज़वी तौर हमने देखा कि कुछ इलाकों के अंदर नरमी जरूर देखी गई, चंद एक हिस्सों के अंदर हमने देखा जहां पर गाड़ियां भी इक्का दुक्का नजर आई और लोगों की नकल हरकत भी बहुत कम या ना के बराबर कहें। और आज चौथे दिन सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए कश्मीर हम चलेंगे। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि पुलिस की तरफ से भी हालात पर नजर रखी जा रही है। CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, फौज और दीगर इस वक्त एजेंसियां हो, हालात पर जरूर नजर बनाए हैं। लेकिन खबर ये भी है कि एक दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासिर जिन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अफवाहें फैलाने की कोशिश की, उनको मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार भी किया गया है। और इक्का दुक्का वाकया छोड़कर बडगाम जिले से जो पुलिस का एक स्टेटमेंट सामने आया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा आज का अपडेट ले लेते हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं? आज चौथा दिन है और सुबह सुबह कुछ इलाकों से जो इतलात मौसूल हो रही है कि आज भी बंद का असर देखा जा रहा है। बिल्कुल, आज अला सिपाही जब हम मुख्तलिफ रोड से जहां से मेरा गुजर हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो सिक्योरिटी के अधिकार है वो हर जगह पर तैनात है। और ऐसा भी लग रहा है क्योंकि पुलिस की जब हम कंफर्मेशन की बात करते हैं तो कोई भी पुलिस ऑफिसर ये अभी तक नहीं बोल पाता है और सही तरीके से इंफॉर्मेशन भी नहीं देते हैं कि आज क्या बंदिशें रहेंगी या नहीं रहेंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कागजात पर बंदिशें हैं, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो ये है कि जहां जहां से नॉर्मल है, जहां जहां से कोई अंटूवर्ड नहीं है, कोई ऐसी तरह का इंसिडेंट नहीं है, तो वहां वहां पर लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। वहां लोगों का आना जाना देखने को मिल रहा है, चाहे हम सुबह से ही जो कुछ थोड़ी थोड़ी सी एक्टिविटीज, चाहे छोटे छोटे ऑटोज है या कहीं से सोमोज भी निकल रहे हैं, उनकी आवाजाही देखी गई है। लेकिन हैदरपुरा को अप्रोच करने वाला जो भी रास्ता है वहां पर अभी भी बंदिशें हैं और बड़ी पूछगछ के बाद ही जब किसी की इमरजेंसी कुछ होती है तो उन्हीं को वहां से निकलने की इजाजत दी जा रही है। हिलाल, जरा ये बताएगा कि मोबाइल इंटरनेट के हवाले से क्या आज शाम तक मोबाइल इंटरनेट को बहाल किया जा सकता है, क्योंकि तालिब इल्म की जानिब से ये भी शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि इंटरनेट न होने की वजह से उन्हें जो फॉर्म भरने थे उनके उन्हें मुश्किलात का भी सामना हो रहा है। देखिए, इंटरनेट पर ही आज की जिंदगी मुनहसर है और जब इंटरनेट अचानक बंद हो जाता है तो उससे बहुत सारी जो सरगर्मियां हैं वो मुअत्तल होकर रह जाती है और इससे स्टेट को भी एक बड़ा नुकसान रहता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हालात का जवाब देकर और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसे बंद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल से हालात रहे हैं मजमुई तौर पर, कुछ एक इलाकों को छोड़कर मजमुई तौर पर हालात पुरमल रहे हैं और आईजीपी कश्मीर का स्टेटमेंट और डीजी का भी स्टेटमेंट ये है कि आज शाम को इंटरनेट की, मोबाइल इंटरनेट की बहाली को लेकर एक आला स्तरीय मीटिंग होगी जिसमें ये जायजा लिया जाएगा कि क्या आइंदा या आज ही इस इंटरनेट पर जो पाबंदी है क्या उसको हटाया जाएगा। लेकिन ऐन मुमकिन है कि आज शाम से ही कश्मीर के अंदर इंटरनेट की प्रोसेस को बहाल किया जा सकता है। तमाम हतमी फैसला शाम को या बाद दोपहर जो होने वाली मीटिंग है पुलिस की तो उसमें ही किया जा सकता है। एक चीज और भी, एक स्टेटमेंट पुलिस का एक आया है जिसमें हिलाल ये बताया गया है कि नरकारा बडगाम का एरिया जहां पर एक ऐसा वाक्य पेश आया था, कुछ लोगों की तरफ से पथराव किया गया और उसके बाद कुछ फेक जो खबरें तैयार कर रहे थे, डोजगर तैयार कर रहे थे और प्रोमोशन न्यूज की ऐसी हो रही थी, कुछ लोगों को एहतियाती तौर गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ अपडेट इस हवाले से? देखिये, मुतलिद इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही है क्योंकि इंटरनेट बंद था लेकिन कुछ कम्युनिकेशन टेलीफोन पर जब हमने भी चलाई, लेकिन जब हमने पुलिस ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की तो कोई भी इस पर तस्दीक जो है वो नहीं कर पाता। ये बड़े अनफॉर्चुनेट बात है। तो इस वजह से खबरें तो हमें भी आई हैं कि कुछ एक इलाकों से, न सिर्फ नारकरा से बल्कि दूसरे कुछ इलाकों से भी इस तरह की पकड़ धकड़ जो है या कुछ लोगों को हिरासती तौर पर पुलिस ने थाने में बंद किया हुआ है। लेकिन जब पुलिस से इस बारे में मालूम करते हैं तो वहां से कोई जवाब, कोई भी तस्दीक या कोई तरदीद
वहां पुलिस के हेल्प से नहीं हो पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए हिलाल हंजोरी, कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे। आज चौथा दिन है, बंद का असर आज भी देखा जा रहा और सुबह सुबह की सूरत हाल जो है उस पर तफसीलात फराहम कर रहे थे। लेकिन आपको ये भी बताएं कि जो हिलाल बता रहे थे कि आईजीपी कश्मीर का हवाला देकर के शाम होते होते उम्मीद ये जरूर की जा रही कि इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो है वो चल जाए। मोबाइल कॉलिंग सर्विस तो ऑलरेडी परसों शाम को बहाल कर दी गई थी और उसके बाद जो बयान में कहा गया है कि बयान में ये भी कहा गया है कि हालात को देखते हुए सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जा सकता है और उम्मीद की जा रही है कि शायद आज शाम को मोबाइल इंटरनेट बहाल किया जा सकता है। वादी के अंदर अगरचे कई मकामात पर बंदिशें तो हटा दी गई हैं लेकिन जो बंद का असर अभी भी सुबह सुबह देखा जा रहा है। हैदरपुरा की तरफ जाने वाले रास्तों को फिलहाल वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करेंगे आज भी उसे एहतियाती तौर पर कश्मीर जम्मू से वादी की तरफ जाने वाली गाड़ियां जो है उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है इंतजामिया की जानिब। पहले दो रोज भी जम्मू से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को रोक दिया था लेकिन कल जम्मू से श्रीनगर दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई थी लेकिन आज एहतियाती तौर पर एक बार फिर जम्मू से श्रीनगर की तरफ यानी कि वादी की तरफ गाड़ियों को फिलहाल रोक दिया गया है और दूसरी तरफ मुगल शाहरा पर भी गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी गई। सिंथन टॉप यानी किश्तवाड़ का रास्ता जो साउथ कश्मीर के साथ जुड़ता है वहां पर भी गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी गई गुज़श्ता रोज और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या दीगर जरूरी कामकाज की घर से जाने वाले लोगों को काफी हद तक राहत इससे नसीब हुई है। दूसरी तरफ रेल खिदमत अगर बहाल होती है यानी दोनों सूबों की आवाम का राबता बहुत आसानी से जो बहाल हो जाता था वो काफी ज्यादा मुतासर हुआ है। कारोबारी सरगर्मियां गुज़श्ता रोज बंद रही लेकिन इंटरनेट की जहां तक बात है तो पुलिस का दूसरा बयान भी जो है उसमें ये कहा जा रहा है कल शाम भी और परसों शाम को भी कि कोई नाखुशगवार वाकया या किसी पर कोई किसी तरह के नुकसान की खबर कहीं से भी नहीं है। हालात मजमूई तौर पर पूरा मन सूरत हाल के बीच उम्मीद तो यही की जा सकती है कि बाद दोपहर इस हवाले से कोई इकदाम किया जाएगा। लेकिन टनल के इस पार की क्या कुछ सूरत हाल है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का अपडेट लेने के लिए आरिफ वहीद के पास चलते हैं। बनिहाल से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। आरिफ तफसीलात जरा दीजिएगा कि टनल के उस पार तो बंदिशों का असर देखा जा रहा है लेकिन इस पार क्या कोई हुकाम या नॉर्थन रेलवे की तरफ से कोई फैसला मुतवक्का है कि दोपहर तक ट्रेन सर्विसेज बहाल हों और नेशनल हाईवे के हवाले से क्या कुछ ताजा तरीन अपडेट है? जी बिल्कुल आसिफ, सबसे पहले अगर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से दो रोज पहले जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक धर्मांधा मुसाफिर गाड़ियां रही उसके साथ में अगर देखें कल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली लेकिन जिस तरह से हम प्रीवियस टाइम की बात करें जिस तरह से ट्रैफिक चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं मार्जिन में जो है वो कहीं ना कहीं पे कमी देखने को मिल रही है। कल भी हमने देखा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे श्रीनगर से जम्मू की ओर जो गाड़ियां रवा दवा थी लेकिन जम्मू से श्रीनगर की ओर गाड़ियों की आवाजाही कम ही देखने को मिली लेकिन इस तरह से कौमी शाहरा पर अगर बात करना चाहेंगे जिस तरह से वादी कश्मीर में जो बंदिशों का सिलसिला था उसको देखते हुए ये बताएगा क्या आज बंदिशें हैं जम्मू से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को फिलहाल रोक दिया गया है या कि फिलहाल गाड़ियां ही कम नजर आ रही हैं कि या बंदिशें फिलहाल इंतजामिया की जानिब से जो हुक्मनामा जारी हुआ है? बिल्कुल गवर, जिस तरह से कल भी हमने देखा कि ऑफिशियली जो है ट्रैफिक को अलाउ किया गया था लेकिन उसमें गाड़ियों का मार्जिन जैसे मैंने कहा कि कम था और आज भी वही सूरत हाल है क्योंकि वादी कश्मीर में चाहे जो बिजनेस सबका है या बाकी जो भी ट्रांसपोर्ट होता है तो वादी की बंदिशी को देखते हुए ट्रैफिक की आवाजाही कम है। इसके साथ में अगर बात करना चाहेंगे जो रेल खिदमत है यहाँ पर बनिहाल बारामूला जो ट्रेन सर्विस है वो मुसलसल आज चौथे रोज भी पूरी तरह से बंद है और बनिहाल की बात करना चाहेंगे जिस तरह से बारामूला बडगाम से लेकर बनिहाल तक की एक आखिरी ये स्टेशन है जहां पर पैसेंजर का काफी ज्यादा रश देखने को मिलता है लेकिन पिछले आज चौथे रोज से भी हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन बनिहाल पे जो है काफी ज्यादा खामोशी है जहां पर हजारों की तादाद में लोग पैसेंजर सफर करते थे लेकिन उम्मीद ये है कि बहुत जल्द ट्रेन सर्विस खुल सकती है लेकिन अभी तक जो है फिलहाल ट्रेन सर्विस पूरी तरह से वो भी बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ट्रेन सर्विसेज फिलहाल बंद हैं, इंटरनेट बाद दोपहर या शाम होते होते बहाल किया जा सकता है मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर भी फिलहाल आज किसी किस्म की रोक नहीं है। कल से गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी गई थी और दूसरी जो राबता सड़कें हैं यानी किश्तवाड़ से
जो अछबल अनंतनाग जोड़ने वाली सड़क है और तारीखी मुगल शाहरा राजौरी पुंछ को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने वाली, वहां पर भी कनेक्टिविटी चल रही है, किसी किस्म की वहां रुकावट नहीं है। लेकिन अब